हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक ऐसा प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे गाइस, जो कि हर किसी को जो कि फेस करना पड़ता है गाइस। वो प्रॉब्लम है गाइस जो कि मोबाइल यूजिबिलिटी। सो गाइस, मोबाइल यूजिबिलिटी का एरर जो कि हर ब्लॉगर को जो कि देखना पड़ता है गाइस, जो कि किसी किसी ब्लॉगर का फिक्स हो जाता है, किसी किसी का फिक्स नहीं हो पाता है। सो गाइस, आज मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा। तीन मेथड को आप जो अगर फॉलो करते हो तो आपका जो कि ये हट जाएगा गाइस। यहाँ पे मोबाइल यूजिबिलिटी का जो कि हम जो कि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो शो करता है रेड कलर का, यहाँ पे पेज इज़ नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल। यहाँ पे मेरा अभी तो ये टिक शो कर रहा है, अभी ग्रीन शो कर रहा है गाइस, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर लिया है। आप कैसे फिक्स करोगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूँ, इस चैनल में मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाता हूँ डेली। आपको बहुत सारा जो कि नए नए चीज़ सीखने को मिलेगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, सिंपली मैं आपको पहला स्टेप बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना डैशबोर्ड पे आ गया हूँ गाइस। आने के बाद मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एक पोस्ट पे, ठीक है। एक पोस्ट को अभी मैं आपको ओपन करके दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैं इस पोस्ट को ओपन कर लिया गाइस, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है गाइस, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट बहुत सारे लोग यूज़ करता है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है गाइस। उन लोगों को पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम आखिर है तो कहाँ पर है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट के वजह से मैं बता दूँ ये प्रॉब्लम आ जाता है गाइस, क्योंकि ये क्लिकेबल मतलब एलिमेंट्स है, तो ये मतलब क्लोज आ जाता है, इसीलिए जो कि एरर शो करते हैं। तो मैं तो बता दूँ, ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है आपका एक कहाँ कैसे सेटिंग करना है। आप अगर इजी टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ किए हो, या किसी लाकी टेबल ऑफ कंटेंट बहुत सारा प्लगइन आपको मिल जाता है, आप इन सब का यूज़ किए हो, तो आपको सेटिंग जो कि ये सेटिंग करना है। अभी मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ सिंपली प्लगइन पे, और यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट है, सेटिंग में चला जाता हूँ गाइस। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, सिंपली यहाँ पे दिख रहा है जो पोजीशन, पोजीशन पे यहाँ पे आपको चेंजेस करना है। बिफोर फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट हेडिंग आपको रख देना है गाइस, ठीक है। आफ्टर पैराग्राफ भी नहीं रखना है, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग पे रख के इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसको सेव कर देना है, तो ये हो गया फर्स्ट चीज़। नीचे आपको यहाँ पे कर देना है सेव, सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये दूसरा जो आता है प्रॉब्लम हमारे थीम की वजह से। आप अगर जनरेट पेज थीम करते हो, यूज़ करते हो गाइस, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे चले जाना है। कस्टमाइज पे चले जाने के बाद ये प्रॉब्लम किस लिए आता है अभी मैं बताऊंगा गाइस। ये जो नेविगेशन ऊपर दिख रहा है, प्राइमरी नेविगेशन, इसकी वजह से आता है। सो गाइस, यहाँ पे हम जो कि ये ओपन हो गया गाइस, ये जो नेविगेशन है गाइस, इसका सेटिंग कर लेना है। लेआउट पे चले जाना है, प्राइमरी नेविगेशन पे चले जाना है, और यहाँ पे आपका जो कि मेनू आइटम हाइट्स लिखा रहेगा, ये 65 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, आपको 45 कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। 45 करके जैसे सेव करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड मेथड, और अभी मैं थर्ड मेथड आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप थर्ड मेथड भी नहीं कह सकते, तो ये एक छोटा सा है, बट ये मैं आपको बता दूँ, आप जब भी अपना पोस्ट वगैरह लिखोगे तो आप पोस्ट का जो कि फॉन्ट का साइज 20 रख देना, इससे भी आपका फिक्स हो जाता है। अभी मैं बढ़ता हूँ थर्ड मेथड पे, ठीक है। थर्ड मेथड जो है गाइस, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो प्लगइन कौन सा है अभी मैं बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको प्लगइन पे आ जाना है, प्लगइन पे आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे कर देना है क्लिक, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है गाइस। और आपको जो कि ऑटो ऑप्टिमाइज करके एक प्लगइन आता है गाइस, उस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज करके जैसे ही आप सर्च करोगे गाइस, तो आपके सामने जो कि ये प्लगइन आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये प्लगइन आ गया है गाइस। इस प्लगइन को आपको एक्टिवेट कर लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो कि एक्टिवेट किया हुआ है। तो एक्टिवेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्लगइन पे चले जाना है गाइस। तो प्लगइन पे यहाँ पे चले जाते हो गाइस, प्लगइन पे चले जाने के बाद यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइज का सेटिंग दिख रहा है, इस पर कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको एक सेटिंग कर लेना है गाइस, ये सेटिंग जो कि है बेस्ट सेटिंग देता है, और आपका जो कि ये बैकग्राउंड पे रन होता है जो CSS जावास्क्रिप्ट है, ये क्या करता है, ये लोड करना बंद कर देता है ये प्लगइन, और आपका जो कि वेबसाइट का स्पीड भी अच्छा हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे जो कि ये थोड़ा नेट स्लो है गाइस, माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो JS CSS, तो आपको नीचे आ जाना है। CSS ऑप्शन पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्टिमाइज CSS कोड इसको क्लिक कर देना है, इनलाइन ऑल CSS इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप अगर चाहते हो, अगर जावास्क्रिप्ट का चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे आप एनेबल कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली चेंज सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक, तो आपका ये जो कि सेव हो जाएगा। यही तीन मेथड है गाइस, इसको आपको फॉलो करना है गाइस, तो आपका जो कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो आज के वीडियो में यही था गाइस। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लगा, सो लाइक एक जरूर कर देना। सो या गाइस।